गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे प्यारे शूरवीर दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंटरटेनमेंट धमाका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 सितंबर को एक नई मूवी रिलीज होने वाली है। ये मूवी का नाम है ऑनेस्ट थीफ। इसमें हॉलीवुड के सुपरस्टार लियाम नीसन ने एक्टिंग की है और इसका ट्रेलर रिसेंटली ही रिलीज हुआ है। आइए चेक करते हैं ये ट्रेलर कैसा है। ग्रेट। Federal Bureau of Investigation. I want to turn myself in. I want to make a deal. What kind of deal? I hand over all the money I stole in exchange for a reduced sentence. It's important. And what's so important about it? I met a woman. I want to be with her for the rest of my life, without lying about my past. Great. Special Agent Hall, this is Special Agent Evans. Where's the money? The man is telling the truth. We can take this money for ourselves. Let's do it. Oh. Whoa, whoa, I'm turning myself in. FBI, open up. Oh exactly. My God. His real name is Thomas Dolan, former Marine, demolitions expert. To come clean. I'm not a bank robber anymore. With the murder one charged for killing one of their own. The feds will come after me and keep coming. Those two crooked cops are willing to kill another agent. What are they capable of doing to you and me? My girlfriend. Oh my God. Nothing to do with this. Agent Evans. I'm coming for you. Yes. Do what you have to do. Revenge. Evans, I want to clear my name, which means I need a full confession from you. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Ready to confess? You will. तो काफी मजेदार ट्रेलर था ये। इसमें एक सीन मुझे काफी मजेदार लगा, जिसमें जोर से लियाम नीसन गाड़ी रिवर्स लेते हैं और इतनी जोर से वो टकराते हैं। वो दोनों आराम से बैठे हैं विलन, और उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा। आपको मैं एक बता दूं कि मैंने भी एक बार, मैं एक्टिवा से कुछ काम के लिए गया था और यूं ही मैं खड़ा था एक जगह पे, मैंने गाड़ी रोकी थी। और फिर जैसे ही काम, मैंने सामान सेट किया, अपनी सारी चीज़ें सेट की, और मुझे ऐसे इतना ज़ोर आया, मैंने आगे ठीक से बिना देखे ही ज़ोर से एक्सेलरेटर दे दिया और आगे एक बाइक वाला खड़ा था, उसको मैंने ठोक दी। तो 100 रुपये दे के मैं वहाँ से निकल गया, लेकिन बाद में मैं इतना हंस रहा था। तो जैसे हमने, ये एक बात थी, ट्रेलर में हमने देखा कि लियाम नीसन काफ़ी सक्सेसफुल शातिर चोर हैं, जिन्होंने 12 बैंक रॉबरी की है और अभी तक उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन उनको प्यार हो जाता है और अब उनको सारे सीक्रेट अपने रिवील करने हैं और उनको अपने प्यार से कुछ छिपाना नहीं है। तो काफ़ी, और सच्चाई का रास्ता कठिन होता है। तो इनके केस में तो लियाम नीसन पूरे फिसल ही जाते हैं, क्योंकि उनको पूरे गलत लोग मिलते हैं जो उनको डबल क्रॉस करते हैं। तो ट्रेलर काफ़ी मज़ेदार था और इंटरेस्टिंग था। हमें लग रहा था कि नहीं, ये लाइव अच्छा ग्रिपिंग ट्रेलर था ये। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगले ट्रेलर में, अगला आप कौन से ट्रेलर पे रिएक्शन चाहते हैं, मुझे ज़रूर से बताएं। और आपको मेरी तरफ से कौन सा कंटेंट चाहिए, ये भी मुझे प्लीज़ बताएं। उसके ऊपर मैं ज़रूर से ध्यान दूंगा और उस हिसाब से मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। लियाम नीसन के लिए मैंने कुछ फैक्ट्स
फैक्टशीट तैयार की है, तो आइए एक नज़र उस पर डाल देते हैं। तो डेली मिरर ने लियाम नीसन की मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है ऐसी न्यूज़ फैला दी। तो लियाम नीसन ने उन पे केस कर दिया वो मैगजीन पे, जिस जो क्लेम वो जीत गए, और उनको ये क्लेम के लिए 50,000 pounds अप्रोक्सीमेटली 49 lakh रुपीस मिले। उन्होंने ये रकम को डोनेट कर दिया। लियाम नीसन को गोल्डन आई मूवी, जो कि एक जेम्स बॉन्ड की मूवी है, उसके लिए नॉमिनेट भी किया, कंसिडर भी किया गया था। और द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो मूवी है, एनिमेटेड मूवी है ये, और ये मूवी में असलन जो कि एक शेर का कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने वॉइस ओवर दी है। और नीसन एक हैवी स्मोकर हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में स्मोकिंग क्विट कर दी। अब उन्होंने द ए टीम मूवी के लिए हनीबाल का कैरेक्टर प्ले किया, और ये मूवी में उनको ये हनीबाल के कैरेक्टर की खासियत ये थी कि वो एक चेन स्मोकर था, तो ये चेन स्मोकर होने था, लेकिन उन्होंने स्मोकिंग क्विट कर दी थी, तो सिर्फ यही फिल्म के लिए उन्होंने स्मोकिंग की। और जितने उन्होंने कुछ कश भी लगाए, जितनी सिगार को उन्होंने आधी छोड़ दिया, मूवी के को एक्टर ब्रैडली कूपर, जिन्होंने हैंगओवर हॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म दी है, उसमें उन्होंने फिल का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने ये सारी सिगार को पूरा किया। और आज लियाम 68 ईयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, जो मैं मानता हूँ कि उनकी वाइफ को एक अच्छा ट्रिब्यूट है कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, तो मेरा रिस्पेक्ट उनको पूरा का पूरा जाता है। आई होप कि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हो ये मूवी 4 September को, और वैक्सीन आ जाए कोरोना की, कि जिससे हमें ये टेंशन से मुक्ति मिले। अभी का दौर तो ऐसा है कि हमें अगर सर्दी या खांसी या बुखार भी होता है तो हमें घबराहट शुरू हो जाती है कि क्या होगा, तो ऐसा मंजर है। आई होप कि सब जल्द से ही सब ठीक हो जाएगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, बाय।